रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म तबाही ला चुकी है, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री में शाहरुख खान की फिल्म और आने बाकी है। यानी कि दोस्तों आज मैं बात करूंगा जवान का नहीं, पठान का नहीं, तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा डंकी का। तो दोस्तों फाइनल रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म तापसी पन्नू की फिल्म पहली बार दोनों स्टार कास्ट फिल्म में नज़र आ रहे हैं और तबाही के मामले में चली गई ये फिल्म सबसे आगे। यार दोस्तों 22 दिसंबर 2023 को ही फिल्म रिलीज किया जाना है थिएटर में और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही है इस फिल्म को। यानी कि दोस्तों राजकुमार हिरानी अभी तक जितना भी सिनेमा बनाई है सबकी इंतज़ार पब्लिक करती है। यानी कि दोस्तों पीके बनाई है, थ्री इडियट्स बनाई है, दोस्तों इस सब का बेसब्री से इंतज़ार था। पब्लिक की सब फिल्म का सपोर्ट भी किया था और फिल्म भी हिट रही थी। उसी तरह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म डंकी का वेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, डंकी का वेट पब्लिक पूरी तरह से कर रही है। यानी कि दोस्तों राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जो कि बेहतरीन फिल्मों बनाने में एक्सपर्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन फिल्मों बनाने में एक्सपर्ट हैं राजकुमार हिरानी। और इस बार क्या बेहतरीन काम किए हैं फिल्म को डंकी को लेकर, उसी को चर्चा में कर रहे हैं डंकी के मेकर्स भी। यानी कि दोस्तों राजकुमार हिरानी भी सोच रहे होंगे आखिर मैं क्या बनाया हूँ, वो पब्लिक आखिर पसंद करेगी या नहीं करेगी। वो तो दोस्तों पब्लिक पे ही डिपेंड करती है फिल्म को कितना सपोर्ट मिलती है। यानी कि दोस्तों डंकी को पब्लिक का प्यार कितना मिलता है वो तो दोस्तों 22 दिसंबर को ही पता चलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है फिल्म को लेकर, यानी कि दोस्तों डंकी को लेकर आपकी राय क्या है सीधा कमेंट के माध्यम से बताएं। और अब दे सीधा भाई को इजाज़त, क्योंकि भाई मिल रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।